आइए अब देखते हैं सेल्स रिटर्न बुक। इसे हम लोग रिटर्न्स इनवर्ड बुक भी कहते हैं। मीन्स जो माल हमने बेच दिया था वो अब माल वापस आ गया है। गुड्स विच वी हैव ऑलरेडी सोल्ड वो वाला माल वापस आ गया है, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, इसलिए इसे इनवर्ड कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, इट इज़ अ सब्सिडियरी बुक मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल्स रिटर्न्ड बाई द बायर्स ऑफ द गुड्स दैट वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जो हमने उधार पे माल बेचा था अब वो माल वापस आ गया है। इसमें वही गुड्स है, मीन्स जो माल हम जिस चीज़ में हम डील करते हैं परचेज रीसेल करने के लिए, वो वाला माल हमारा जो बेचे थे वापस आ गया। ठीक है, वही इसमें सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कोई फिक्स एसेट्स जो बेचे थे वो वापस आ गया उसका नहीं होगा इसमें रिकॉर्ड, और क्रेडिट पे होना चाहिए। माल हमने जब बेचा था तो वो क्रेडिट पे बेचे होंगे तभी वो माल वापस आएगा, तभी उसको हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कैश सेल वाला वापस आया है तो वो कैश बुक में जाएगा। चलिए, फिर इसमें क्रेडिट नोट आता है। क्रेडिट नोट का मतलब क्या हो गया कि अगर हमने जो माल वापस आया उसको एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ भाई चलिए ठीक है, आपने माल हमसे ख़रीदा था, वापस आप कर रहे हो, ठीक है, अ क्रेडिट हैज़ बीन गिवन टू यू, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। तो क्रेडिट नोट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है नोटिफाइंग अ पर्सन दैट अ क्रेडिट हैज़ बिन मेड टू हिज अकाउंट विद रीज़न। ठीक है, उसको क्रेडिट कर दिया गया है ऐसे करके, तो उसका रीज़न वगैरह आपको वो देता ही है, वो सारा कुछ करके हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर्मेट इसमें भी वही आएगा, डेट पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर इसमें आएगा, लेजर फोलियो डिटेल्स, कॉस्ट, आउटपुट CGST, SGST, IGST। अगर इंटर स्टेट है तो आपका IGST होगा, और आउटपुट सेल्स में आउटपुट होता है, और आउटपुट CGST, SGST कब होगा, जब वो हमारा इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट होगा तो ये होगा हिसाब का। तो जिस तरीके से हमारा सारा फॉर्मेट था, परचेज सेल्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, वैसे ही सेल्स रिटर्न का भी फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही है, खाली नाम जो है वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है। दोस्तों अब हम देखते हैं सेल्स रिटर्न बुक के बारे में, कि सेल्स रिटर्न बुक को इक्वेशन के थ्रू देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक को हम लोग एक और क्या नाम से जानते हैं, रिटर्न्स इनवर्ड बुक। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ये भी बोल सकता है कि सेल्स रिटर्न बुक बनाइए या रिटर्न्स इनवर्ड बुक बनाइए, क्योंकि जो माल हमने बेच दिया था वो वापस आ रहा है, तो वो रिटर्न इनवर्ड, इसीलिए उसे इनवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन है 2020 दिसंबर 15, रिटर्न ऑफ टू वॉशिंग मशीन्स बाय मेसर्स सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 7000 पर मशीन लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, CGST, SGST वाज द पेड एट द रेट ऑफ 6% ईच। तो ये क्या है कि सेल्स हमने उसको किया था, किसको, मेसर्स सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने दो वॉशिंग मशीन बेचा था। ठीक है, और 7000 रुपये का बेचा था एक वॉशिंग मशीन 20% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। अब वो वापस आ रहा है, उस पर CGST, SGST 6% लगा था। अब है कि इसका देखेंगे इधर फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से जाएगा जिस तरीके से हमारा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, वो मतलब कॉलम्स वगैरह वैसे ही बनेंगे, खाली कुछ नाम चेंज हो जाएगा। डेट वाले कॉलम में डेट जाएगा, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट नंबर, वो जब हम लोग रिटर्न करते हैं, ये परचेज सेल्स रिटर्न होता है, तो जो हम लोग एक्नॉलेज करेंगे भाई हाँ सेल्स रिटर्न किया है, आप माल हमारे पास वापस आ गया, जो हमारा कस्टमर था उसने माल हमें वापस दे दिया, हमने एक्नॉलेज कर दिया, तो उसको क्रेडिट नोट नंबर इशू कर देते हैं। ठीक है, जो कस्टमर है उसे हम क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं कि हमें तुम्हारा जो माल था वापस हमने ले लिया है, तो उसमें यहाँ पर इसका नंबर दे दिया जाता है। लेजर फोलियो, जब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ये, तो इसका लेजर पोस्टिंग होगा तो यहाँ पर उसका नंबर आ जाएगा। फिर है डिटेल्स, कैलकुलेशंस वगैरह इसमें शो करते हैं, कॉस्ट और आउटपुट CGST, ये सब डेबिट होता है। आउटपुट CGST डेबिट क्यों होगा, क्योंकि क्रेडिट जब सेल्स किया था तब क्रेडिट किया था, अब इसको डेबिट कर देंगे। तो ये है मेसर्स सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले फॉर्म का नाम दे देंगे, फिर दो वॉशिंग मशीन 7000 रुपये का बेचा है, तो 7 × 2 = 14000, ट्रेड डिस्काउंट 20% क्वेश्चन कह रहा था, लेस कर दिया 2800 तो आ गया 11200। फिर है CGST, SGST 6%, तो वो हमने दे लिया 11200 का 6%, 672
ये टोटल करके आ गया 12,544, ठीक है। अब ये कॉस्ट आ जाएगा इधर अपना ब्रेकअप में 11,200, 672, 672, क्लियर है ये चीज़। ये आउटपुट सी जी एस टी डेबिट डेबिट होगा, क्योंकि जब हमने माल बेचा था तब उसको क्रेडिट करा था, वापस आ रहा है तो उसको इनपुट क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। तो ये आपका आउटपुट सी जी एस टी डेबिट हो जाएगा, जब बेचते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, अब वापस आ रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। लेजर पोस्टिंग जब करेंगे वहाँ भी यही चीज़ होगा। ये टोटल हो गया 12,544 इधर भी इधर भी। दूसरा ट्रांजेक्शन है 25 दिसंबर को, रिटर्न ऑफ 6 पेन ड्राइव्स बाई मेसर्स सुनीता इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड एट 1000 प्लस IGST 12%। इंटर स्टेट सेल रहा होगा, ठीक है, इंटर स्टेट था इसीलिए IGST। तो आइए, मेसर्स सुनीता इलेक्ट्रॉनिक्स पहले फॉर्म का नाम, 6 पेन ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 1000 तो हो गया 6000, IGST का रेट लगा दिया 12% तो 720, टोटल आ गया 67220, 6000 कॉस्ट हो गया, फिर आउटपुट IGST हो गया डेबिट में 6720 टोटल। ये तो हर कॉलम का टोटल कर देंगे और इस तरीके से ये बन जाता है सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक, ये क्लियर है। अब इसमें लेजर पोस्टिंग देख लेते हैं कि लेजर पोस्टिंग कैसे होगा। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पहले देखा था परचेज बुक सेल्स बुक ये सब में, कि आप सबसे पहले तो दोनों फॉर्म का बनेगा, मिसर्स सोहंस इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट बनेगा और मिसर्स सुनीता इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट बनेगा। ये दोनों क्या होगा, जब हमने इनको माल बेचा था, ये सेल्स रिटर्न है ना, जब माल बेचा था, जब सेल किया था तो इसको डेबिट किया था, अब इनको क्रेडिट कर देंगे तो लेजर में क्रेडिट साइड में लिखाएगा, ठीक है, क्या लिखाएगा, बाई सेल्स रिटर्न अमाउंट 11,200 इसमें आ जाएगा और सुनीता इलेक्ट्रॉनिक्स में 6,000 आ जाएगा, ठीक है। बाई आउटपुट CGST आएगा 672, सोहन वाले में 672 बाई आउटपुट SGST, मतलब सोहन के क्रेडिट साइड में, सोहन का लेजर अकाउंट बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 11,200 बाई आउटपुट CGST 672 बाई आउटपुट SGST 672, बस वैसे ही सोहन सुनीता का बनाएंगे, मिसेस सुनीता इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या, बाई ये बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 6000 बाई आउटपुट SGST 720, क्लियर है, ये हो गया। अब उसके बाद और क्या क्या अकाउंट बनेगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, ये चार अकाउंट और बनेंगे, ठीक है। तो चार अकाउंट में क्या क्या होगा, सभी का डेबिट साइड में लिखाएगा, सभी का डेबिट साइड में लिखाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट होता है, आउटपुट CGST, SGST, आउटपुट IGST सब डेबिट होगा। तो डेबिट साइड में लिखाएगा क्या, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, जिनका जितना अमाउंट है वो डाल देंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा 17,200, आउटपुट SGST में 672, ये जो टोटल आ रहा है वो जाएगा सब, ठीक है। इसमें एक ही ट्रांजेक्शन था, एक ही दो चार होते तो सब जोड़ के डालते। आउटपुट SGST में ये सब डेबिट साइड में 672, आउटपुट IGST में 720, ऐसे करके, ठीक है। तो ये छह लेजर्स भी बन जाएंगे, क्लियर है। तो सेल्स रिटर्न बुक के क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं।